السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار व उदखिलजन्नत फ़फ़ाज़ वमल हयात द्दिया कला नबी सयूरदिल्ला खीरा यूसफ़ मिन महतरम साम हाज़रीन मजलिस दीन मिल्ली भाइयों और काबिल अहतराम माओ और बहनों सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें इस बात के तोफ़ीकता फ़रमाई कि हम यहाँ पर जमा हुए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने के लिए इस चीज़ को आप कभी मामूली ना समझें जो बंदा इन चीज़ों को मामूली समझता है वो उसके दिल में शैतान की तरफ़ से वसवसा है क्योंकि ऐसी मजालिस में बैठना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे तो सब कुछ पता है पिछले बयान में फुला आलिम साहब ने बयान किया था वो तो मुझे मालूम है मैं, मैं क्यों जाऊं इस तरह जहन में ख्याल आता है शैतान की पूरी कोशिश यही होती है कि एक इंसान को अल्लाह तबारक वाली का नाशुकर बंदा बना दे और उसने ये बात अल्लाह तबारक वाले से कही है जिस वक्त अल्लाह इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह इज़्ज़त ने तमाम फरिश्तों को सज़दा करने का हुक्म दिया सब लोगों ने सजदा किया शैतान ने नहीं किया उससे पूछा गया क्यों नहीं किया तो उसने बर्जस्तः यही जवाब दिया था अनखर उम मैं इस इंसान से बेहतर हूँ उसने अपने आप को बेहतर बताया तो इस नाफरमानी की बिना पर अल्लाह तबारक ने उसे भगा दिया वहां से उसे शैतान लईन करार दिया और यहां तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया गया कि जो इसकी इत्तेबा करेगा जो इसको मानेगा उसी भी इसके साथ में मैं जहन्नम में दाखिल कर दूंगा तब तो उसने रब से एक फरमाइश की रब से क्या फरमाइश की इला फिर इलायम ऐ मेरे रब उसने रब से ये बात पेश की गोया कि आप दुआ कह सकते हो उसने रब से कहा अरे रब तो मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे खुद मांगना हुआ खुद कोई बात अल्लाह से कहने हुई तो उसने रब का हवाला दिया लेकिन इंसानों को कहाँ लगा दिया कि नहीं तुम्हारी दुआ डायरेक्ट कबूल नहीं होती तुम्हें किसी पीर के पास जाना पड़ेगा तुम्हें किसी मजार के पास जाना पड़ेगा अल्लाह तुम्हारी कहाँ सुनता और खुद जब बात करने वाल रब से डायरेक्ट उसने कहा रब भी कुरान के अंदर बाकायदा जुमला है अय मेरे रब रबरन इलाय में बाथून क्यामत तक मुझे मोहलत दे दे कितना बड़ा चालबाज है कि इंसान को ना शुक्रा बनाने के लिए अल्लाह तबारा व तआला से दूर करने के लिए शैतान ने क्या किया इंसानों के जहन में ये वसवसा डाला कि तू वसी तलब कर फिर अल्लाह सुनता है तू इतना बड़ा गुनहगार है तेरे अल्लाह नहीं सुनेगा तेरी अल्लाह मानेगा ही नहीं एक काम कर फुला जगह जा तेरा काम हो जाएगा तो उसने अल्लाह से क्या कहा था उसने अल्लाह से सिर्फ यही मोहलत मांगी थी कि अल्लाह तू मुझे मोहलत दे ये तूने जो फजीलत दी है तेरे में अक्सर बंदों को ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर तरफ से आकर के इनको गुमराह करने की कोशिश करूंगा अक्सर शाकिरीन कितनी बड़ी बात है जो हम कभी गौर नहीं करते हैं तो ज्यादातर लोगों को ना शुक्रा पाएगा हमारे टॉपिक से बहुत गहरा ताल्लुक है इसका कि बंदे तो तेरे होंगे न्यामतें तेरी लेंगे नियामत तो उनको देगा लेकिन तेरे वो ना शुक्रे बंदे होंगे नियामतें तेरी पाएंगे सब कुछ तेरा होगा वजरम शाकिरन ज्यादातर लोग तेरी शुक्रगुजारी नहीं करेंगे अजल्ला अच्छा ने हमको कितनी नियामतें दी मेरे भाई हम गौर नहीं कर सकते हम कभी गिन नहीं सकते कुराना मजीद में अल्लाह रब्बुल रबुलजत ने कहा वह इन तदू ना तो रब की नियामतों को गिनना चाहो तो, तो तुम गिन ही नहीं सकते हो इतनी नियामतें अल्लाह ने हमको दी क्या क्या नियमित आप सोच नहीं सकते भाई आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं आंख की नियमत मैं जुबान से बातें कह रहा हूं आप सुन रहे हैं कान की नियामत बोलने की ताकत आप गिनते रह जाए चीजें खत्म हो जाएंगी अल्लाह की नियामतें खत्म नहीं हो सकती वल्लाहु अखरजकुम मिन ला ऐ लोगो हमने तुम्हें पैदा किया और जब तुम पैदा हुए थे तुम अपनी माँ के पेट से तो उस वक्त तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं था कुछ भी नहीं पता था लेकिन अल्लाह ने नियामत क्या दी थी बच्चे को बराबर अल्लाह ने सिखा के भेजा था कि जब वो दूध पिएगा तो बराबर अंदर लेके जाएगा फेंकेगा नहीं बल्कि खींचेगा वो अल्लाह ने हिदायत दी थी वो कुछ सीख करके थोड़ी आया था माँ के पेट से अल्लाह ने हिदायत बराबर उसको दी थी नियामतें अल्लाह ने क्यों दी है भाई नियामतें अल्लाह ने इसलिए दी है ताकि हम रब के शुक्र गुजार बंदे बन जाए ब के शाकिर बंदे बन जाएँ लेकिन शैतान आके वसोसा डालता है दिल में ये बात डालता है कि अभी तू गरीब है तेरी ज़िंदगी में परेशानी है तकलीफ़ है मुसीबत है तेरी तबीयत ख़राब है बच्चों की तबीयत ख़राब है वाइफ़ की तबीयत ख़राब है घर में परेशानी हर तरफ़ परेशानी एक काम कर अभी कुछ मत कर अभी तो तू जवान है ना खूब जम के कमा नमाज वमाज़ छोड़ कर खूब हराम कमाई कर ले जब बड़ा आदमी बन जाना तो एक बार हज करके आ जाना उसके बाद साफ तेरे गुना माफ ये सब शैतानी वसूसे होते हैं जो इंसान ये सोचता है कि बस मेरे दिल में आ रहे हैं ये सब शैतानी वसूसे होते हैं बड़ा आदमी तू बन जाएगा तेरे पास इतनी दौलत आ जाएगी ये वसुसे में डाल करके ज्यादातर लोगों को नाशुकरा बना देता है और बंदा जब नाशुकरा बनता है मेरे भाई तो उसकी जिंदगी में जब परेशानी आती है जब तकलीफ आती है जब मुसीबत आती है तो उस परेशानी में उस पर सब्र करने के बजाय अल्लाह तबारो को की शिकायत करने वाला बन जाता है अल्लाह के ताल्लुक से शिकायत दूसरों से करता है वो सोचता है कि इतना दिन से मौलवी साहब ने जो दुआ बताया था वो शायद दुआ कारगर नहीं हो रही अब चलना पड़ेगा किसी बाबा के पास वो कुछ काम करेंगे अल्लाह के दर को छोड़ करके गैरों के पास चले जाता है मुसीबत में कैसे उसे अपने आप को जमाना है उसका तरीका तलाश करने के बजाय ईमान पर जमने के बजाय वो गैरों के तरीकों को अख्तियार कर लेता है क्योंकि वो जगह जगह देखता है कभी ट्रेन में सफर कर रहा है तो छोटा सा स्टिकर लगा रहता है तमाम समस्याओं का समाधान तमाम मुसीबतों की परेशानियों का हल किसी का जॉब नहीं लग रहा है परेशानी हंड्रेड परसेंट फोन पर हल ऐसा लिख करके भी लोग लगाते हैं तो कुछ हल नहीं होता है मेरे भाई हल करने वाले सिर्फ वाहिद जात है कौन है अल्लाह तबारो को ये यकीन और ये अकीदा हम मोमिनों का होना चाहिए इसके अंदर गड़बड़ी अगर पैदा हो गई तो सबसे पहले इसकी असलाह की जरूरत है ये चंद इब्तदाई बातें थी उसूली बात जो आपको सबसे पहले जहन में रखनी है वो ये कि आप जब इस दुनिया में पैदा हो गए बच्चा पैदा हो गया चाहे औरत हो या मर्द वो इम्तिहान हाल में आजमाइश में आ चुका है आजमाइश में वो बंदा आ चुका है चाहे वो अपने आप को ये तस्वर करे कि मैं इम्तिहान नहीं दूंगा लेकिन वो इम्तिहान हाल में है पर्चा लिखे या ना लिखे कयामत के दिन अल्लाह तबारक वाली उसकी उस जिंदगी के बारे में हिसाब जरूर लेगा। तो पैदा होते ही इंसान आजमाइशों से घिर जाता है कितनी सारी आजमाइशें होती मेरे भाई बच्चे की पैदाइश के, के वक्त बाप कितना परेशान होता है कितनी तकलीफ़ में होता है यहाँ वहाँ से पैसे का इंतज़ाम करता है लेकिन वही बदबक लड़का बड़ा होकर के अपने अम्मी अबू को क्या कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया वो उस शैतान उसके दिल में वसवसा डालता है कि तूने मेरे लिए क्या किया वो ख़बीस ये नहीं समझता है कि वालिदैन ने हमारे लिए जो किया मैं कभी कर नहीं सकता है बच्चे की तबीयत ख़राब होती बाप कितना परेशान होता है माँ कितनी परेशान होती है लेकिन थोड़ी बाजू में ताक़त आ जाती है थोड़े उसके पास जेब में पैसे हो जाते हैं शादी हो जाती है तो सोचता है सब कुछ में बड़ा आदमी बन गया नहीं वाले की कदर करना छोड़ देता है लेकिन जब उसकी जिंदगी में परेशानी आती तब तो बराबर जब उसके बच्चे आगे चल करके नाफरमानी करते तब तो बराबर उसको याद आता है कि हाँ मैंने अपने वालदेन की नाफरमानी तो की थी तो जिंदगी में इंसान की परेशानियां आएंगी उन परेशानियों में अपने आप को कैसे जमाना है उसी ताल्लुक से इन आपके सामने चंद बातें पेश की जाएंगी तो उसी भी बात मैंने जिक्र किया कि एक मोमिन खुसूसन अल्लाह के नबी वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब उसके पास खुशी आती है तो उस खुशी के अंदर वो क्या करता है शुक्र करता है खुशी जैसे उसका जॉब लग गया अच्छी जगह जॉब लग गया अब बहुत पैसे आने लगे तो लोगों के पास जब थोड़े पैसे ज्यादा आने लगते हैं तो उनको हरी हरी सोचती है गलत राहों पर चले जाते हैं वो गफलत के शिकार हो जाते हैं क्योंकि माल भी एक इंसान के लिए बहुत बड़ा फितना है वो दुनिया की रंगीनियों को देख करके वो ये सोचते हैं कि सब कुछ शायद मुझे मिल गया है अब मेरे लिए इसका खात्मा नहीं हालांकि वो माल का मिलना एक इंसान के लिए आजमाइश का जरिया होता है अल्लाह ताला आजमाना चाहता है देखना चाहता है कि माल मिलने के बाद ये बंदा दीन पे जमता है कि नहीं जमता है और आपने कई लोगों को देखे होंगे कई सेठों को देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े बहें उनके पास पैसे बहुत है लेकिन दीनी मामला जरा बराबर उनके पास नहीं दीन के ताल्लुक से उनको कोई फिक्र नहीं उनके बच्चे दीनदार हैं या नहीं है उनके घर के अंदर दीनदारी है कि कोई जर्रा बराबर फिक्र नहीं है बस बिजनेस के अंदर उनको बहुत आगे बढ़ना है मोमिन ऐसा नहीं होता है मोमिन कैसा होता है आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अजबल अमरिल मोमिन मोमिन का मामला ही अजीब होता है जो मोमिन होता है उसका मामला ही अजीब होता है क्या अजीब मामला होता है इन अम्र हो खैर हर मामले में उसके साथ खैर ही होता है और मोमिन के अलावा किसी और के साथ ये मामला नहीं होता है काफिर तो हमेशा शिकायत ही करने वाला होता है वो तो अल्लाह का इनकार करने वाला होता है कैसे खैर होता है मोमिन के लिए इन असाबत हु मोमिन को अगर खुशी पहुंचती है बच्चे की विलादत हो गई तो ढोल ताशे नहीं बजाता है खुशी मिलती है अल्लाह का शुक्र अदा करता है ऐसा ना हो कि बेटे के पैदाइश पर बहुत खुशी मना रहा और बेटे की पैदाइश किसी को फोन ही नहीं किया खुशी अदा करता है वो खुश हो जाता है कि अल्लाह ने मुझे नियामत दी वो ये सोचे कि कितने सारे बेचारे ऐसे हैं जो सिर्फ औलाद के लिए तरस रहे बेटी की पैदाइश पर इसको अफसोस हो रहा है इसको टेंशन हो रहा है नहीं नियामत है अल्लाह की तरफ से इसको टेंशन नहीं होना चाहिए उसको खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे नियामत दी है कितने सारे बेचारे ऐसे हैं जो हैं जो दर दर ठोकरें डॉक्टरों का चक्कर लगाते कई सारे लोग अपनी इज्जतों को नीलाम कर देते हैं कि किसी तरह बच्चा हो जाए नहीं होते उनको बच्चे तो लड़की के पैदाइश पर खुशी और बेटी की पैदाइश पर नाराजगी चेहरा फूगा हुआ है फिर से बेटी पैदा हो गई चार हुई थी पांचवी भी हो गई टेंशन हो जाता है उसको नहीं होना चाहिए खुशी होनी चाहिए अल्लाह ने नियामत दी है हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है हमें कोशिश करनी है बस इन असाबत हु उसको कोई खुशी पहुंचती है घर में कोई खुशी आई माल के अंदर फायदा हुआ बिजनेस के अंदर फायदा हुआ बेटे का जॉब लग गया या कुछ और खुशी आई तो क्या करता है वो शुक्र करता है मोमिन शाकिर होता है उसको खुशी पहुंचती है अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला होता है ये अल्लाह का फजल है मेरी इसके अंदर कोई वक़ात नहीं अल्लाह ने सब कुछ किया है फकान खैर अल्लाह उसका शुक्र करना उसके लिए बेहतर होता है उसका शुक्र करना उसके लिए फायदेमंद होता है खुशी के अंदर नंबर दो वह इन असाबत हु दर्राउ उसको कोई तकलीफ पहुंचती कोई भी तकलीफ बेचारा एग्जाम में फेल हो गया बेटे की तबीयत खराब है वालदेन की तबीयत खराब है बिजनेस नहीं चल रहा है बीवी की तबीयत खराब बच्चों की तबीयत खराब कुछ भी मसला बहुत दिन से जॉब की तलाश में ये सब परेशानी है ये सब तकलीफ है खाने के लिए परेशानी किससे कहे कह नहीं सकता है जेब में पैसे नहीं है गैरत तो उसकी गवारा नहीं करते किसी के सामने हाथ फैलाए तकलीफ में है परेशानी में है इन असाबत हु उसको कोई तकलीफ पहुंचती है वो क्या करता है सब्र करता है वो परेशानी में सब्र करता है बीमार है तकलीफ है बुखार से तड़प रहा है सब्र करता है सब्र करने वाला फका अल्लाह तो उसका ये सब्र करना उसके लिए क्या होता है फायदेमंद होता है मोमिन के साथ दोनों मामला खुशी आई शुक्र किया और परेशानी आई उसने सब्र किया ये दोनों चीजें इंसान के अंदर जमा हो गई मेरे भाई बहुत बड़ी दौलत उसको मिल गई आप अपना जायजा ले अपने बारे में सोचें कि खुशी में आप शुक्र करते हैं कि नहीं करते कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं तो बड़ी खुशी में क्या करते हैं चल थोड़ा सा सिगरेट पी के आते हैं और खुश हो गए पूरा दिन बैठ के जैसे खुशी वाला दिन कौन सा होता है संडे का दिन होता है तो क्या करेंगे चले एक फिल्म देख करके आएंगे आदमी खुशी मतलब इंजॉयमेंट के लिए अपने आप को खुश करने के लिए इंसान कुछ भी करता है लेकिन खुशी मिलती नहीं है खुशी कहां खुशी अगर मिलेगी इंसान को तो कहां मिल सकती है अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मिल सकती है वो गाने बजाने में यहां वहां ढोंग करने में नहीं वक्ती तौर पर इंसान लेकिन नहीं बाद में उसको टेंशन होता है अरे मैं गया था पैसे तो खर्चे हो गए बाद में एहसास होता है पैसे बहुत खर्चे हो गए इतने सारे दोस्त आ गए सबको खिलाना पड़ा बाद में सोचता है तो खुशी के अंदर कोई ऐसा काम ना करें जो इंसान को अल्लाह तबारक वाला के नाफरमानी की तरफ लेकर जाए खुशी के अंदर आप हद के दायरे में रहें जो शरीयत ने हुक्म दिया बस उतना ही करें अल्लाह का शुक्र करें परेशानी आए तो परेशानी में भी आप अल्लाह तबारक ने जो हद बताए हैं उस हद में ही रहें उस हद को आप क्रॉस ना करें कि बहुत टेंशन में बहुत तकलीफ में ब्रेकअप हो गया है किसी का किसी लड़की के साथ में कुछ मसला था ब्रेकअप हो गया आप क्या करें आप अपना हाथ काट लिया है क्यों किया था भाई तूने ये काम तुझको किसी ने करने के लिए कहा था किसी ने करने के लिए कहा था शरीयत ने तुझको हुक्म दिया था यह काम कर तो किसी से दोस्ती कर नहीं बोलता तूने खुद अपने आप ये परेशानी मोल ली है कुछ लोग परेशानी खुद मिल लेते हैं अब बैठ करके नुक्कड़ पे सिगरेट पी रहा है सिगरेट पे सिगरेट उड़ा रहा है दूसरा आदमी देख कर रहा तुम्हारा बेटा बैठ के बहुत ज्यादा एकदम मगन हो गया है वो बिल्कुल टपोरी बन गया है अपने आप को परेशान कर रहा है क्यों परेशान कर रहा है बाप कहता है कि हाँ किसी लड़की के चक्कर में बाप बेचारा परेशान है लड़की है दिन रात खाना नहीं खा रही माँ परेशान है क्या हुआ मुझे बड़ा लड़का पसंद हो उसी से शादी करो वरना मैं शादी नहीं करूंगी ये सब क्या है मेरे भाई परेशानी हम अपने वाले को भी दे रहे हैं खुद भी दे रहे हैं और ऐसी परेशानी जो शैतान की तरफ से अल्लाह को जो इंसान को जहन्नम में लेकर चली जाए एक परेशानी जो अल्लाह की तरफ से एक परेशानी हम खुद मोल ले देते जैसे मिसाल के तौर तो पर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है अल्लाह ने उसको रिस्क दिया उसने फ्लैट वगैरह ले लिया कहीं पर जगह ले तो दूसरा वाला जो उसका रिश्तेदार होता है उसका भाई होता है उसको दिल में हंसती क्यों आगे बढ़ रहा है इसको आगे बढ़ना नहीं चाहिए कुछ लोगों की पूरी परेशानी जिंदगी की परेशानी दूसरों का आगे बढ़ना है दूसरों को वो अच्छा नहीं देखना चाहते दूसरे परेशान रहें दूसरे तकलीफ में रहें उनको बड़ी खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है दुश्मन जिसको हमने बना के रखे वो अपना दोस्त है हमारा भाई है वो जब परेशान होता है तो हम क्या कहते हैं कि हाँ इसने कुछ बुरा किया होगा लेकिन खुद जब बुराई में मुलवस होते हैं खुद हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हमारे बारे में तो कोई ऐसा सोचता होगा ऐसा हम किसी के बारे में ना सोचे किसी को कोई बीमारी है कोई शख्स अगर किसी बीमारी का शिकार है तो इसका मतलब ही नहीं कि उसके ऊपर अजाब आया है अल्लाह ताला तो जिसको साथ जो चाहता करता है जिसके साथ जो चाहता करता है इसीलिए अल्लाह के सुने क्या फरमाया बिही मैदिल अल्लाह जिसके साथ खैर करना चाहता है भलाई करना चाहता है यो सिर्फ मिन हु उसको मुसीबत में डालता है बाहिर आप सुन रहे हो कि अल्लाह ऐसा क्यों करता है हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसको तोहफे देते हैं उसको हदिए देते हैं उसकी दावतें लेते हैं उसको बंद लिफाफा देते हैं उसको अपने दोस्तों में शामिल कर लेते हैं कि अल्लाह ऐसा क्यों करता है कि अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसको मुसीबत में डालता है और लोग किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको क्या करते हैं उसको तोहफे तहफ देते हैं तो अल्लाह आखिर ऐसा क्यों करता है इंसान कभी सोचे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है मामला हम उसको हमसे जिससे मोहब्बत होती है तोहफे और जिससे नफरत होती है उससे हम बात करना गवारा नहीं करते जिससे हमारी दुश्मनी होती है जिसने हमें तकलीफ पहुंचाया है कभी उससे हम मिलना भी नहीं चाहते हमारा मिजाज बन जाता है हम ऐसे सोचने वाले बन जाते हैं अल्लाह इसलिए ऐसा करना चाहता है कि मोमिन को आजमाता है मोमिन को अल्लाह तबारक देखना चाहता है कि ये दीन पर कितना जमने वाला है ईमान जो इसके अंदर पाया जाता है मुसीबत के वक्त यह ईमान पर कायम रखता है कि ढगमगा जाता है अल्लाह चेक करना चाहता है कोई सोचेगा अल्लाह क्यों चेक कर अल्लाह की मर्जी भाई उसने हमको पैदा किया है हमारी पूरी जात अल्लाह के लिए सर से लेकर पैर तक मुकम्मल हम अल्लाह रबुल्जत के हैं इसीलिए तो हम मुसीबत के वक्त क्या कहते हैं लिल्लाहि व इलैहि अलहराज हम अल्लाह के, अल्ला के हैं हमारा सर से लेकर पैर तक सब कुछ किसका है अल्लाह का हमारा कुछ नहीं और हमें उसी तरफ लौट करके जाना है तो परेशानी अगर आ रही है तकलीफ और अगर आ रही है तो तकलीफ के वक्त हमें क्या करना है खसूस करना है कोई भी तकलीफ हो उस सब्र का अंजाम अल्लाह हरबुल्जत ने बहुत बड़ा रखा है मेरे भाई जैसे वाक्य आपने सुना है ना कि एक औरत अल्लाह के नबी नबीन की खिदमत में हाजिर हुई बड़ा प्यारा वाक़ा है कभी तो सुना है अपनी औरतों को जो सब्र नहीं कर पाते अब आप सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो प्रॉब्लम लेकर के आए प्रॉब्लम क्या था वो बीमार थी बीमार थी तकलीफ़ थी उसको बहुत तकलीफ़ थी इतनी तकलीफ कि वो देख ले आज भी तो वो परेशान हो जाए कितनी बड़ी तकलीफ़ मिर्गी की बीमारी मिर्गी में कितनी तकलीफ़ होती है आप देखेंगे तो डर जाएंगे भाई बेहोश हो जाना पूरा जिस्म का अकड़ जाना कितनी तक छोटा बच्चा देख ले तो परेशान हो जाए क्या हो रहा है वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तकलीफ है हमको भी बाज़ दफ़ा बाज भाइयों को तकलीफ होती है कोई बीमारी होती मुझे ये तकलीफ है आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए मेरी ये परेशानी सॉल्व हो जाए मेरी ये परेशानी हल हो जाए हम भी बाज़ दफ़ा अपनी परेशानियों को जाकर डॉक्टर के पास जिक्र करते हैं आलिम के पास जिक्र करते हैं मकसद ये होता है कि हमारी परेशानी हल हो जाए जायज़ तरीके से आपके दवा ले सकते हैं या जो भी आप दुआ वगैरह पढ़ सकते हैं बिल्कुल जायज़ है वो भी अपने मसाल को लेकर के अल्लाह के नबी के पास आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशवरा दिया क्या मशवरा दिया कहा अगर तुम इस बीमारी पर सब्र करो ये मिर्गी की जो बीमारी है इस पर अगर तुम सब्र करो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज ना कराएं अल्लाह के रसूल ने उनको मशवरा दिया अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है तुम्हारे लिए जन्नत है उन्होंने प्लान फौरन चेंज कर लिया कि सब्र करने की बिना पर अगर अल्लाह मुझे जन्नत दे, दे देगा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त है वो जन्नत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे आप सोचो मेरे भाई सहाबे कराम और अलिया जन्नत का नाम सुन करके अपनी जानों को कुर्बान कर देते थे और आज ओलाए कराम जन्नत के बारे में मुकम्मल टॉपिक बयान कर देते हैं हमको कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि हमारे अंदर शौक नहीं है हमारे अंदर तड़प नहीं है हमारे अंदर वो लालच नहीं है हमारे अंदर वो कोशिश नहीं है जन्नत को हासिल करने की हाँ हमारे अंदर कोशिश कब होती है जब नया आईफोन आता है हमारे नौजवान अब नया है फोन आया है थोड़ा मैं पैसा जमा किया हूं आप कुछ दे दें हो जाएगा इतनी दिलचस्पी इतना लगन इतना तगोदों के साथ उसको लेते हैं कुछ दिन के बाद वो शौक खत्म हो जाता है तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो औरत ने कहा कि आप मेरे लिए दुआ ना करें मुझे सब्र करना है इस बीमारी पर सिर्फ इतनी दुआ कर दें कि जब मैं बीमार होती हूं जब मुझे मिर्गी की बीमारी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा उतर जाता है आप अल्लाह से दुआ कर दें कि जब मैं मिर्गी की कैफियत में बेहोश हो जाऊं तो मेरे जिसम से कपड़ा ना उतरे सोचें वो लोग जिनकी माए बहनें आज बेपर्दा घूमती हैं और बेगैरत भाई बहन बाप बैठे निगाहों के सामने देख रहे हैं उनको कोई एहसास नहीं होता है वो औरत बेहोशी के आलम में क्या करिए अल्लाह के रसूल मेरे जिस्म से कपड़ा ना नहीं उतरना चाहिए हालांकि बेहोशी के आलम में अल्लाह व तआला की तरफ से कोई चीज नहीं लिखी जाती तीन लोगों के ऊपर से जो कलम उठा लिया गया है उसमें से एक बेहोश आदमी भी है जब सो जाता है आदमी तो उस तल्लु से कुछ भी नहीं बेहोश हो कुछ भी नहीं लिखा जाता है बेहोशी के आलम में भी उनको यह गवारा नहीं कि मेरे जिसम से कपड़े उतर जाए लेकिन आज कितना बड़ा फितना है औरतों का कितना बड़ा फितना है औरतों का कि औरतें बाजार में ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके निकल रही हैं मर्दों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश आजमाइश उस वक्त बन जाती है एक आदमी दुकानदार है बेचारा अब वो अपने आवाज़ का जादू चला करके वो सोचती है कि मैं बहुत अच्छे से इससे बात करूंगी ये भी फितना है बहुत बड़ा फितना है मेरे भाई बहुत बड़ी आजमाइश है मोमिन के लिए कि एक मोमिन दुकान खोल के बैठा है अब एक औरत आई वो अपने आवाज़ का जादू चला करके क्या सोचती है कि मैं जैसे जैसे इससे, इससे अच्छे से बात करूंगी प्यारे अंदाज में बात करूंगी दिल लुभाने वाला बात करूंगी तो क्या करेगा थोड़ा रेट कम कर देगा इस मकसद से अगर कोई औरत ऐसा कर रही है तो गुनहगार औरत वो शरीयत के निगाह में वो गुनहगार हुआ था जो अपने अकौल को इसलिए जो अपने कलाम को इसलिए अच्छा बयान करके पेश करे ताकि उसके रेट के अंदर कमी हो जाए कुर्बत हो जाए उसको ये लगे उसके दिल में जगह बने तो गोया कि वो गलत काम कर रही है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा सिर्फ इतनी दुआ कर दीजिए कि मेरे जिसम से कपड़ा ना उतरे तो परेशानी में सहाबा ये काम किया करते थे लेकिन हम परेशानी में सब्र नहीं कर पाते हैं हम सटपड़ाने लगते हैं शिकायत करने लगते हैं हम लोगों के सामने आकर के और शिकायत किससे करते हैं लोगों से किसकी शिकायत अल्लाह की शिकायत लोगों से करते हैं अल्लाह रबुलिस जिसने कायनात पूरी बनाई है उसकी शिकायत हम जाकर के बंदों से करते हैं इतनी बड़ी बात कि इंसान सोचे कि मैं शिकायत किससे कर रहा हूँ बंदों से कर रहा हूँ अल्लाह की शिकायत बंदों से करने की कोशिश करता है तो मोमिन कैसा होता है खुशी में शुक्र करता है और परेशानी में सब्र करने वाला अब आइए हम देखते हैं कि परेशानी किन किन चीज़ों में आएगी आजमाइश अल्लाह तबारक वाली हमें किन किन चीज़ों में करेगा ताकि जान लें हम जब वो जान जाएंगे तो बहुत आसानी से इन मसला हल हो जाएगा कुरन मजीद की के बकरा में अल्लाह रब्बुल रबालत ने कहा वबलुनकुम कुरान का, का तर्जमा उठा के देख लें वा नबलुकुम और यकीनन हम तुमको जरूर बे जरूर आजमाएंगे मतलब बिल्कुल तय है ंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ हमको आजमाया जाएगा कोई नहीं बच सकता है अरबी जानने वाले उसको अच्छे तरीके से जानते हैं वाला नकुम हम तुम्हें जरूर बे जरूर आजमाएंगे बिशई इमल खौफी चंद चीजों के जरिए से और उन चीजों में सबसे पहली चीज क्या होगी मिनल खौफी खौफ के जरिए आज हमारे दिलों में खौफ है दहशत है हुकूमत हमारे साथ कुछ कर ना डाले हुकूमत हमें मार ना डाले हुकूमत हमें खत्म ना कर डाले आप सोचो मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुट्ठी भर मुसलमान थे उस दौर में ज्यादा टेंशन था कि आज के दौर में ज्यादा टेंशन है बजहिर आप तारीख पढ़ेंगे ना तो उस दौर का मामला बहुत ज्यादा डेंजर लगता है बहुत डेंजर मामला था आप तस्वुर करें कि तीन साल तक बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल सब कुछ बंद खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं साथ में सब कुछ बायकॉट कर दिया गया कितनी मुसीबत है सब कुछ बंद कर दिया गया और ऐसा नहीं कि वो शीश महल में रहा करते थे पहाड़ों के बीच में रह रहे थे तीन साल तक शाबे बलिब में अल्लाह के नबी वसल्लम मुसीबतों का पहाड़ टूट गया उस वक्त जब आपकी बीवी का इंतकाल हो गया आपके चचा का इंतकाल हो गया कौन साथ देने वाला है लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी हमारे रसूल सल्लाह वसम ने भी क्या की सब्र किया आप सल असलम ने पूरे दुनिया के लोगों को सिखा दिया कि तुम्हारी तकलीफ क्या है ये तकलीफ देखो असल अंबिया इक्राम अल्लात की जो तकलीफें होती है आप देख लें कि वो तो गुनहगार नहीं होते हैं ना फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें तो आजमाता है उनको आजमाता है अल्लाह तबारा की इब्राहिम सलातम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद दी वो भी बुढ़ापे में सहारा बनाया अब आजमाइश में क्या डाल दिया कि इब्राहिम तुमको जो बेटा दिया उसको अल्लाह के राह में जबा करो हम होंगे तो कितना हमको तकलीफ होगी ना कि एक बेटा भी दिया वो भी कुर्बान करने के लिए तैयार लेकिन इब्राहिम सातम तो अकेले एक उम्मत थे वो तैयार हो गए इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इब्राहिम हमने तुमको जहां भी आजमाया तुमको कामयाब पाया हम अपनी जिंदगी का जायजा ले मेरे भाई सब हर शख्स अपने बारे में सोचे कि हम कहां कहां फेल हुए हैं किस किस मामले में फेल हुए हैं हमारे जिंदगी में जो आजमाइश आई है हम वाकई में उसमें कामयाब हुए हैं नाकाम हुए हैं इस चीज़ को हमें जानना बहुत जरूरी है तो अल्लाह रबुलजत ने क्या कहा आयत के अंदर हम तुम्हें आज़माएंगे खौफ के जरिए हुकूमत का खौफ है हुकूमत का डर है कि कहीं दोबारा ये हुकूमत आ गई तो क्या होगा मुसलमानों के साथ क्या होगा भाई फिर उनसे बढ़कर कोई जालिमजिर बादशाह गुजरा है कोई नहीं अल्लाह ने सेकंडों में खत्म कर दिया आप वाक्य पढ़े चंद सेकंड के अंदर सब बर्बाद हो गए और रहती दुनिया जब तक क्यामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक सब लोगों के लिए निशानी है कैसी हुकूमत थी कितनी बड़ी हुकूमत थी आना रब आला वाले हुकूमत थी कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं मैं सबसे बड़ा रब हूं तुम तो मूसार के रब को मानते हो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं अल्लाह ने दिखा दिया कि तू रब नहीं है तू रब नहीं तेरे पास सिर्फ हुकूमत है चंद सेकंडों में अल्लाह ने खत्म कर दिया आप हजरत मूसा सलातम के साथ जो लोग थे आप देखें उनका ईमान कि जब मूसा सलातम अपने कौम को लेकर के निकले रात के अंदर तो फिर उनको खबर हुई वो भी लश्कर लेकर के निकला मूसा को लेकर के निकल गए अब मूसा सलात जब दरिया के पास पहुंचे तो सामने दरिया और पीछे लश्कर हैरान और परेशान कुरान में अल्लाह ने वाक किया कि सामने समंदर है और पीछे लश्कर है और वो भी हथियारों से लैस इनके पास कुछ भी नहीं बेचारों के पास ये तो भागे हुए थे मूसा सलात के पास निकले हुए थे मुसालाम के साथ अब यूशा बिन नून जो आपके सहाबी थे साथी थे उन्होंने कहा इन मुद्रकून अब तो हम फंस गए वो सोचे अब तो मुसीबत आ गई अब तो गए मामला खत्म नहीं मामला खत्म नहीं हजरते मूसा सलाम ने तसल दी कल्ला कल्ला हरगिज नहीं ऐसा हो नहीं मर, ऐसा ही नहीं सकता नेमर ऐसा मुमकिन ही नहीं है इन न मा ए मेरे साथियों उसके साथ फौज है उसके साथ तोप है तलवार है सब कुछ है इन रब्बी, रब मेरे साथ है जिसके साथ रब हो जो रब का मानने वाला हो पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ रब एक तरफ इन रब्बी, रब मेरे साथ सयाहदीन वो जरूर भी जरूर हिदायत देगा एक हुक्म पर अल्लाह इज्जत ने कहा, मूसा लाठी जो हाथ में उसको दरिया पर मारो देखो हम कैसे रास्ता बनाते हैं जो अल्लाह का मानने वाला होता है जो अल्लाह पर यकीन करने वाला होता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और जो अल्लाह को नहीं मानता है फिर उन पीछे से आया उसके लिए अल्लाह रास्ता बिगाड़ देता है इस बात को याद रखें आप और रब्बुमुल आला कहता था अल्लाह ने उसको असफल साफलीन बना दिया समंदर में डुबा दिया और जो लोग मोमिन थे ईमान वाले थे समंदर में भी अल्लाह ने रास्ता बना दिया कोई मोमिन कहेगा ना तो मोमिन थे वो तो अल्लाह के नबी थे आपके साथ भी हो सकता है मेरे भाई अल्लाह की नहीं कर सकता है आपके मसाइल को अल्लाह हल करता है लेकिन आप यकीन तो करें पहले उसके ऊपर आप सोचें अपनी जिंदगी में कितने ऐसे मसाइल अल्लाह ने हल कर दिए कहीं पर ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ अल्लाह ने मामला और अक्सर ऐसा होता है लेकिन इंसान सोचता नहीं मैंने किया नहीं आपने कुछ नहीं किया है आप ये जो सांस ले रहे हो भाई अल्लाह की कुदरत है कि आप सांस ले रहे हैं अल्लाह ना चाहे एक सेकंड भी आप जिंदा नहीं रह सकते कैसे इंसान ना शुक्रिया कर सकता है हर कदम पर हर लमहाम आप सोते हैं उठते हैं बैठते हैं अल्लाह अल्ला अल्ला के कुदरत अल्लाह के अल्लाह तबारक वाले के हुक्म से ही होता है वरना इस जमीन पर एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करता है तो अल्लाह पर अगर यकीन हो तो दरिया भी पार कर सकता है एक इंसान अल्लाह पर यकीन ना हो तो क्या होगा अंजाम जो फिर उनका अंजाम हुआ।, हुआ तो खौफ अगर है अल्लाह पर भरोसा रखें अल्लाह पर छोड़ दें अल्लाह बेहतरीन इसबाब अख्तियार करने वाला वो ज़रूर कुछ ना कुछ जरूर अल्लाह तबार को तौला मामला को हल करेगा उससे बेहतर हुकूमत आ सकती है उससे बेहतर अल्लाह तबार हो सकता है परेशानी के बाद और हर परेशानी के बाद आसानी होती है लेकिन फिर भी खौफ पैदा होता है कहीं ट्रेन में मुसलमानों के साथ हो गया कहीं कि किसी गाँव के अंदर हो गया किसी शहर में हो गया तो सोच करके खौफ होता है अपने बच्चों को देख करके हालात को देख करके इंसान के अंदर खौफ होता है ऐसे खौफ में क्या करना है यकीन को और मजबूत करना है कि मेरा रब ज़रूर मेरी मदद करेगा और दुआ में कभी भी पीछे ना हटे ये ना सोचे मैं ये दुआ कैसे कर आप अल्लाह से कह के एल्लाह मुझे दिल दे, के अंदर खौफ है लेकिन मददगार सिर्फ तू ही है मददगार सिर्फ तू ही है आप सोचो किसी को आग में डाला जा रहा हो और छोटे मोटे आग नहीं इतना मुकम्मल इतनी दूर तक आग लगाई थी इब्राहिम सलातम के लिए लेकिन आप सोचें उनके पास फरिश्ता भी आ रहा कह रहा कि आप इसके अंदर डाले आप कहें तो आग को तो मैं दूसरी जगह पहुंचा दुकान नहीं अल्लाह तला मेरी मदद करे और ने मदद की जब एक मोमिन मुकम्मल तौर से अपनी जिंदगी को अल्लाह के हक्मों के ताबे कर दे तो अल्लाह उसकी जरूर इंशाला मदद सुनाएगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा अल्लाह तबारक यकीनी तौर पर उसकी मदद करेगा तो अल्लाह रब्ल ने कहा कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ के जरिए खौफ दहशत हुकूमत का दहशत बच्चों का डर कि बच्चे बिगड़ ना जाए बच्चे बड़े होकर के यहां वहां ना फिसल जाए लड़कियों का खास तौर से टेंशन होता है इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा अपने बच्चों के बारे में वल जुड़ी और भूख से बाज दफ़ा एक इंसान ऐसी जगहों पर भी होगा कि जहां पर उसको खाना में न मिले तो ऐसे सिचुएशन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि, कि आजमाइश में एक इंसान के लिए आसानियां रखी है कि मान लो जंगल में वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है मुर्दार से मिल रहा है तो जान बचाने के लिए क्या कर सकता है वो उसको खा सकता है कोई ऐसी चीज में ले कि जिसके जरिए जान बच जाए तो आजमाइश में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हल भी रखा वल जुड़ अल्लाह ने कहा हम तुमको

अब इन तमाम आजमाइश में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा वबशिर वॉबरीन अल्लाह ने कहा, अल्ला कहा सब्र करने वालों के लिए क्या है खुशखबरी है ये नहीं कहा कि आजमाइश में रहने वालों के लिए अल्लाह ने कहा कि ये तमाम आजमाइश जिनके ऊपर ये चीजें आती हैं ये तमाम आजमाइश में जो बंदा सब्र करता है उसके लिए क्या है खुशखबरी है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इतनी बड़ी खुशखबरी मेरे भाई कि एक बंदा कयामत के दिन लाया जाएगा Premises, पूरी जिंदगी उसकी परेशानियों वाली होगी पूरी जिंदगी परेशानी हमेशा परेशानी उसको जन्नत के अंदर थोड़ी देर के लिए डाला जाएगा थोड़ी देर के लिए बस सिर्फ दिखाया जाएगा देखे जन्नत है बाहर निकाला जाएगा उससे पूछा जाएगा शेल तो बुखारी की रवायत बयान कर रहा हूं दे तूने दुनिया के अंदर कोई परेशानी देखे बोलेगा नहीं मैंने दुनिया के अंदर कभी कोई परेशानी देखी ही नहीं जन्नत की एक झलक देखने के बाद उसमें जाने के बाद दुनिया की तमाम परेशानियां इंसान भूल जाएगा दूसरा बंदा लाया जाएगा जिसने दुनिया में कभी परेशानी देखी ही नहीं हमेशा खुशी ही खुशी रही हमेशा वो खुश रहा हमेशा नियामतों में पला उसको जहन्नम में डाला जाएगा थोड़ी देर के लिए फिर निकाला जाएगा उससे पूछा जाएगा तूने दुनिया के अंदर कभी कोई खुशी देखी वो तो कहेगा नहीं वो अपनी तमाम खुशियां भूल चुका होगा जहन्नम को देखने के बाद जहन्नम में थोड़ा एक डुबकी लगाने के बाद दुनिया की तमाम नियामतों को भूल चुका होगा ये आलम है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इन तमाम चीजों के जरिए हम इंसानों को आजमाएंगे सब्र करने वालों के लिए क्या है खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए जन्नत है इदा असाबत मुसीबा सब्र करने वाले कौन होते हैं कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है कोई परेशानी पहुंचती है कोई तकलीफ आती है कोई टेंशन होता है कुछ मामला पेश आते हैं तो लोग क्या कहते हैं कलू वो लोग कहते हैं व हम अल्लाह ही के हैं हमको अल्लाह ही की तरफ लौट करके जाना है हम अल्लाह के पास से आए हैं हमको अल्लाह ही के पास वापस जाना है तो मोमिन का ये मिजाज होता है कि उसके उस जिंदगी में परेशानी आती है तो वो अल्लाह तबारक वाल को याद करते हुए वो ये बात कहता है अपनी जुबान से कि इन एक हदीस के अंदर जो तबरानी की रवायत है अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन माल फितना एक आदमी का उसके माल के अंदर क्या है फितना है आजमाइश है अल्लाह ने उसको अगर माल दिया है आजमाइश है वफी जऊ ही फितना उसकी बीवी में उसके लिए फितना है उसकी बीवी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दी है उसके अंदर फितना है फितना है कि उसको उसके हुकूक को बराबर अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसा तो नहीं कि हाकिम बन करके बैठा है हमेशा बीवी की पिटाई करता है थोड़ा सा नमक ज्यादा होगा पिटाई शुरू कर दिया बच्चों को मारना शुरू कर दिया वाल वा ही उसके बच्चों में भी उसके लिए आजमाइश है यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदमी को उसकी बीवी में उसके माल में उसके औलाद में हर चीज में अल्लाह रब्बुल रब्ल ने आजमाइश रखी है हर चीज़ में क्योंकि तमाम लोगों के हुकूक है मेरे भाई बीवी के हुकूक आप पर हैं वालदे के हुकूक आप पर हैं ये तमाम चीज़ें आपके लिए आजमाइश हैं इन चीज़ों में अगर आप सब्र नहीं करेंगे और शुक्र का मामला नहीं करेंगे उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं पेश आएंगे तो इस बारे में क्यामत के तबारक तलाम आपसे सवाल तो पहली चीज़ आपको यह धन में रखनी है कि किन किन चीज़ों के जरिए अल्लाह ताला आजमाता है इस आयत जिक्र किया दूसरी बात बाज़ दफ़ा इंसान आज़माया जाता है मुखालिफिन जो होते हैं जैसे हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनकी तरफ से तकलीफ आती है मिसाल के तौर तो पर भाई है बहन है और दूसरे रिश्तेदार हैं बाज दफ़ा हमसे रिश्ता तोड़ लेते हैं रिश्ता हमसे तोड़ लेते हैं तो हम भी क्या करते हैं उसने तोड़ा तो मैं भी तोड़ूंगा ऐसा ना करें आप आपसे कोई दूरी इख्तियार करे आप उससे अख्तियार करें बोलेंगे मोहन कितना मैं करीब हो जाऊं आप अल्लाह के नबी नबीम की खिदमत में साहबी आ रहे हैं कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ता हूँ वो मुझसे दूर भागते हैं वो मुझसे दूर भागते हैं कहा यही तो असल हकीकत है कि तू उनसे रिश्ता जोड़ रहा है यही असल सिला रहमी है कि जो लोग तुझसे भागें उनसे जोड़ने की कोशिश करें ये बहुत बड़ी बात होती है ये इसके जरिए से उम्र के अंदर दराजी होते हो अल्लाह ताला उम्र बढ़ाता है

अगर कोई मान लो कोई दूसरे फिरक़े का है तो उसको दुश्मन मत समझ के बैठता है उसको मारना सवाब का सवाब समझता है ना हज़ु बिल्ला बाज दफ़ा एक इंसान उसके कई सारे दुश्मन उसके हो जाते हैं मान लो ऑफिस में काम कर रहा है वहाँ पर उसके दुश्मन बन जाते हैं कभी उसको परेशानी होती है उनकी तरफ़ से उसको तकलीफ़ होती है जब वो जॉब करता है उसको चढ़ाते हैं परेशान करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो चीज़ उसके लिए फितने का सबब बन जाती है वो टेंशन में रहता है कि आखिर क्या करे तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको क्या करना है उसको भी ऐसे सिचुएशन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा सब्र करना है इसी तरीके से हमारे पास जितना दीन होगा नबी के फरमान के मुताबिक उसी एतबार से हमको आजमाया जाएगा हमारे अंदर जितना दीन होगा उसी दीन के एतबार से हमारी आजमाइश होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं साद रज़ी सदर रदील हदीस के रावी हैं कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलम से लोगों में से कौन लोग हैं ज्यादा मुसीबतें जिनके ऊपर आती हैं ज्यादा मुसीबतों वाले लोग कौन होते किन के ऊपर ज्यादा परेशानियां तकलीफें आती हैं कर आप सबकी तारीख पढ़ लें हजरत नूसलाम बेचारे साढ़े नौ सौ साल एक दो साल नहीं मेरे भाई साढ़े नौ सौ साल तक अपने कौम को कहते रहे ए लोगो एक अल्लाह की बात मानो लोग उनका मजाक उड़ाते थे मजाक उड़ाते थे साढ़े नौ सौ साल तक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे अम्बिया क़राम की पूरी जिंदगी उठाकर देख लें जितने भी अम्बिया गुजरे हैं हजरत नूसम इब्राहिम ईसा सलाम मूसा खुद नबी सल्ला सबकी जिंदगी को उठाकर देख लें तो कहा सबसे ज्यादा तकलीफ उठाने वाले कौन होते हैं अम्बिया आप सल्लाब की जिंदगी आप देख लें मेरे भाई तारीख पढ़ने सिर्फ नबी सा जिंदगी देख लें आप कि मक्का के अंदर कितनी तकलीफें दी गई आप नमाज पढ़ रहे हैं नमाज के आलत में बदबाख अबू जहल ला करके ऊँट की ओझड़ी आपके सर पर रख देता है खबीस लाइन सर पे और नमाज की हालत में सोचो ऊंट की उजड़ी तो आ, बकरे की नहीं ऊंट की उजड़ी सर पे रख दिया आप कितनी तो तकलीफ हुई होगी मक्का से निकाल दिया गया मदीना में गए तो कैफियत यह हो गई कि वहां पर मुनाफिकीन और यहूद नजारा का टेंशन मुनाफिकीन का टेंशन बेटियों का तलाक हो गया बीवी सबसे चहेती बीवी आयशा दी अल्लाह इल्जाम लगाया गया तोहमत लगाया गया जना का ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत यह है आलम यह है कि हजरते उमर रदी अल्लाह घर में आ रहे हैं और तकलीफ देखें परेशानी देखें कि घर के अंदर जब हम भी किसी के घर में जाते हैं थे तो उसमें क्या देखते हैं उसका पंखा कैसा है उसकी एसी कैसी है उसका सोफा कैसा है उसका बेड कैसा है उसकी दीवारें कैसी है उसका झूमर कैसा है नबी वसलम के घर पर हज़रत उमर रदी अल्लाह तो आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि आप सल असलम के घर में दो चीज़ों के सिवा कुछ भी नहीं है क्या दो चीजें एक पानी और कुछ जौ का थोड़ा सा हिस्सा एक किनारे लटका हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए हजरत उमर रदी अल्लाह तो ये चीजें देख करके रोने लगे आपकी ये तकलीफ देकर हजरत उमर को बर्दाश्त ना हुई अल्लाह के रसल पूछा उमर क्यों रो रहे हो मा युबकी का या उमर अमर तुमको किस चीज़ ने रुलाया है क्यों रो रहे हो कहा अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के रसूल हैं और ये बदब कैसरों किसरा वाले ये नमतों में पल रहे आप अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपको रसूल बनाए और आप ये तकलीफ में हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्हे ने फौरन उनका माइंड आखरत की तरफ मोड़ दिया अल्लाह के रसूल के पास नमतें आती थी लोगों के दरमियान सदका कर देते थे खैरत कर देते थे कहा अमर क्या तुम पसंद नहीं करते हो कि काफिरों के लिए दुनिया हो और हमारे लिए जन्नत हो हमारे लिए आखरत हो कहा अल्लाह के रसूल आप जिस बात पर राजी हम भी राजी कितनी तकलीफें मदीना में आई जंग का सिलसिला था जंग मदीना के अंदर कितना खौफ का माहौल था चंद दिनों तक शुरुआत के अंदर कि जंग पे जंग कई सारे जंगे बदर जंगे ओहद फिर दुश्मनों का टेंशन कितनी सारी परेशानी आई नबी सल वसलम पर लेकिन हर हाल में अल्लाह के नबी नबीम ने क्या किया सब्र किया आपके सहाबा का देख लें आपके सहाबे कराम और कितनी तकलीफें दी कितनी परेशानियां दी गई कितनी तकलीफ में रखा गया उनको आप सोचें कि एकदम गर्म रेत हो और आपको उस पर लिटा दिया जाए सा के साथ ऐसा हुआ मेरे भाई गर्म रेत पर लेकर लिटाया सिर्फ नहीं गया लिटाने के बाद हाथ पांव बांध दिए गए और सीने पर भारी पत्थर रख दिया गया सिर्फ इतना कहा गया कि तुम मोहम्मद के दिन को छोड़ दो खोलो गवारा नहीं हुई बल्कि यहां तक कहते रहे आहद आहद अपनी जुबान से अहद हाथ कह रहे हैं सुमैया रजियल्ला इस्लाम की पहली शत कैसे सब्र करने वाली कि जालिम ने पैर बांध दिए पैर बांध करके दो ऊंट को और दोनों तरफ से दोनों ऊंट को चला दिया बीच में दोनों तरफ खिंच गया सुमैया कितनी तकलीफ में आप सोचे ईमान छोड़ दिया उन्होंने नहीं ईमान दिल से ना जाए इस्लाम दिल से ना जाए सब कुछ चला जाए जान चली जाए माल चला जाए सब कुछ चले जाए सब कुर्बान हो जाए अल्लाह व तआला के ताल्लुक से जो ईमान दिल में वो खत्म ना हो वो खत्म हो गया तो फिर बचा ही क्या भाई कुछ नहीं बचा ना तो सब्र करने वाले जो सहाबा जो थे तो आदमी के पास जैसा दीन होता है जैसा उसके पास ईमान होता है उसी एतबार से अल्लाह तबारक वाली उसको आजमाता है आजमाइश उसी एतबार से आती है उसी एतबार से अल्लाह रबुल इजत आजमता है जैसा आदमी दीन पर जमा होता है ईमान जिसका जैसा है, मजबूत होता है उसी एतबार से उसकी आजमाइश आती है उसी अतबार से अल्लाह तबारक तौला उसको बकदर दिन आजमाता है और कोई बंदा यह तस्वुर न करे कि आजमाइश उसकी नहीं होगी होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया नो तो रखू लोग ये सोचते हैं कि यूं ही छोड़ दिए जाएंगे नहीं नहीं छोड़ दिए जाएंगे असीबन लोग ये तसव्वुर करते हैं लोग ये गुमान करते हैं यूं तो कि उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा आमन्ना ईमान मतलब ईमान लाने के बाद आमन्ना बिल्ला कहने के बाद छोड़ दिया जाएगा नहीं वह हम लाइफनून वो फितने मुब्तला नहीं किया जाएगा वह आजमाइश में नहीं डाले जाएंगे वलकदफनकबिम अल्लाह ने कहा कि आपसे पहले जो कौमें आईं हमसे पहले उम्मत मोहम्मदियत से पहले जो कौमें आईं उनको भी आजमाया गया क्यों अल्लाह ने आजमाया फली आलमीन सदकू वलीआलमलका अल्लाह तला देखना चाहता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है कौन मक्का है कौन तजाल है और कौन मोमिन है कौन जमा रहता है और कौन फिसल जाता है अब देखे मुनाफिकन पकड़े जाते थे जगह 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 पकड़े जाते थे थोड़ी सी परेशानी आती थी आकर अल्ला के अल्लाह के नबी से कहते थे हम आपसे बैत तोड़ रहे हैं मुनाफिक पकड़ा जाता था फौरन एक शख्स आया मुनाफिक उसने कहा अल्लाह के नबी आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए मैं बैत तोड़ रहा हूं तो पूछा गया क्यों तोड़ रहे हो कहा बुखार मदीना में फैला हुआ है तो कुछ ऐसे बदबक होते हैं जिनके दिल में निफाक होता है जो थोड़ी सी परेशानी के अंदर इस्लाम को छोड़ देते हैं इस्लाम को तर कर देते हैं बाज हमारी बहनें और बाज हमारे भाई मुसलमानों में भी ऐसे हैं जो थोड़ी सी परेशानी नहीं इस्लाम दुश्मन इस्लाम हमें क्या से? इस्लाम ने बहुत सख्ती है इस्लाम में बड़ी परेशानी है मीडिया की बातों को सुन करके यहां वहां की वीडियो देख करके बहनें उसके बरगलावे में फंस जाती है इस्लाम के तालु से कुछ बुराई बयान किया उनका ईमान फिसल जाता है ईमान इतना आसानी से इंसान छोड़ देता है अल्लाह पर जो बंदा इस दुनिया के अंदर ईमान को छोड़ दे अल्लाह तबारक तआला पर तवक्कुल को छोड़ दे मर्तद हो जाए उसकी सजा क्या है मेरे भाई उसकी सजा दुनिया के अंदर तो पतल है अगर इस्लामी हुकूमत है आखरत में हमेशा हमेश के लिए उसको जानने में दाखिल किया जाएगा एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ईसाई था आकर इस्लाम कबूल किया सूरतुल बकरा और सूरह इमरान उसने हिफ़्ज किया और फिर बाद में मर्तद हो गया क्या फैलाया कि ये दोनों सूरतें ही मैंने रसूल को सिखाई हैं इन्ही दोनों सूरतों की रोशनी में क्या करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दिन की बातें सुनाते हैं मर्तद होने के बाद जब उसने ये झूठी बात लोगों में आम की तो उसका अंजाम ही हो मेरे भाई चंद दिनों के बाद वो मर गया सेल बुखारी के अंदर जिक्र है वाक्र बुखारी मुस्लिम गालिबा दोनों में या किसी किताब में चंद दिनों के बाद उस मर्तद आदमी का इंतकाल हो गया जिसने इस्लाम कबूल किया था दो सूरतें याद की थी वह लिखा करता था मर्तद होने के बाद जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके साथियों ने लिया करके उसको दफन किया जमीन ने उसको कबूल नहीं किया जमीन ने उसको कबूल नहीं किया तो फिर से उन लोगों ने कहा कि शायद मोहम्मद के साथियों ने इसको निकाल करके फेंक दिया है उसके साथियों ने फिर उसको उठाया और उससे गहरी खबर खोदी फिर से उसको अंदर डाला दूसरे दिन देख रहे हैं। फिर उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है फिर उन लोगों ने सोचा शायद कि मोहम्मद के साथियों ने किया है फिर तीसरी बार जितना उनसे हो सकता था उतनी गहरी खबर उन लोगों ने खो दी तीसरी बार भी उन लोगों ने जमीन में रखा गहरी खबर खोद करके लेकिन तीसरी बार भी जमीन ने

मोमिन तो ऐसा होता है कि अगर उसे कत्ल कर दिया जाए मार दे अल्लाह तबारक को तला के साथ वो शिरक नहीं करता है सब कुछ हो जाए लेकिन अल्लाह के साथ वो तो किसी को पुकारने वाला नहीं होता है। वो अल्लाह तबारक को तौला के साथ किसी और को निदा देने वाला नहीं होता सिर्फ अल्लाह तबारक तौला को, को अपना रब मानने वाला होता है तो बाज दफा अल्लाह तला इंसान के ऊपर आजमाइश इसलिए डालता है कि अल्लाह तला आजमाना चाहता है कि वाकई में मोमिन है कि मुनाफिक है इसे कबला जब तहवील हुआ मदीने के अंदर तो बहुत सारे मुनाफिक एतराज़ करने लगे जिनके दिलों के अंदर निफाक था लेकिन जो मोमिन थे उनको कोई एतराज़ को नहीं उनको ज़र्र बराबर कोई एतराज़ नहीं लेकिन जो मुनाफिक होता है वो एक एक शोशे को जिसके दिल में इस्लाम के ताल्लुक से नफरत होती है वो एक एक शोशे को लोगों के सामने बयान करता है और लोगों के सामने बयान करके वो फितना डालने की कोशिश करता है तो बाज दफा इंसान फितने में मुबला हो जाता है किसी ऐसे शख्स का बयान सुन लिया जिसको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था और इस्लाम के तलुक़ से बदजन हो गया हमारे बाद नौजवान ऐसा करते हैं मेरे भाई बहने भी भाई भी इस्लाम के तलुक़ से एतराज़ किया उसको कुछ मालूम ही नहीं था उसने कहा ये बात तो आप सही कर रहे हैं ये बात आप सही कर रहे हैं जैसे वोरों के तालुक़ से मामला चल रहा है अब किसी भाई से अगर सवाल कर लेगा उसको नहीं मालूम है तो आपसे कभी भी ऐसा कोई सवाल करे कोई गैर मुस्लिम या कोई भी आपको ना पता रहे तो आप अमामा ना बने किसी आलिम की तरफ रजू करें वो आपको अच्छे से इंशाल्लाह बताएंगे समझाएंगे बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी लेकिन खुद आप बनेंगे यहाँ की अटकल पच्चू चलाएँगे तो वो कुछ का कुछ हो जाएगा जो बातें ना पता हों आप के रहबरी में वो इल्म हासिल करके लोगों को बताने की कोशिश करें तो अल्लाह तबारक तआला देखना चाहता है कि कौन ईमान वाला है और कौन मुनाफिक है इसके जरिए भी अल्लाह तबारक तआला बंदों को आजमाता है इसी तरीके से आजमाइश का एक मकसद ये भी होता है कि अल्लाह तबारक तआला बंदों के ताल्लुक से ये चाहता है कि बंदे तोबा करें क्योंकि इंसान पर जब परेशानी आती है ना तो फ़ौर रुजू करता है टोपी पहन लेता है थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी रख लेता है चंद दिनों तक मान लो अबू का इंतकाल हो गया तो थोड़ा बात कुछ दिन तक कम करेगा बहुत अच्छे से रहेगा टीवी वगैरह सब कुछ बंद एक महीने तक दूसरे महीने में थोड़ा थोड़ा चालू करेगा समाचार फिर एक साल के बाद उसी रविश पे शुरू हो जाता है अगर इंसान पर परेशानी ना आए मेरे भाई इतना बड़ा जालिम बन जाएगा ना बीमारी तकलीफें ना आए तो बहुत बड़ा जालिम उजागर बन जाएगा ये वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला इसको तकलीफ इसलिए देता रहता है ताकि ये सुधरा रहे ज्यादा अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश ना करे जहर अल फसाद फिल बर वल बहर अलफसादार दिमाग जमीन में खुश्की में तरी में फितना और फित फसादरपा हो गया लोगों की करतूतों की बिना पर बाज दफा परेशानियां हमारे करतूतों की बिना पर हमारे बदामानियों की बिना पर आते क्यों आते हैं ताकि अल्लाह तबार व तआला अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोग जो लोग राह रास से भटक गए हैं राह रास से हट गए हैं वो लोग दोबारा उसकी तरफ लौटे लाअ मऊ आखिर में अल्लाह ने कहा कि शायद कि वो लोग लौट करके इसकी तरफ आए उन्हें हम मज़ा इसलिए चखाते हैं उन्हें तकलीफ़ में इसलिए डालते हैं ताकि लोग लौट आए कुछ लोग लौट आते हैं कुछ लोग लौटने के बाद फिर पलट जाते हैं मतलब घर में तकलीफ़ आई अब्बा इंतकाल करके बेटा इंतकाल कर गया बीवी इंतकाल कर कुछ दिन तक सुधरे रहेंगे कुछ दिन तक बराबर उनका नेटवर्क फुल रहेगा और चंद उसके बाद फिर बिल्कुल नेटवर्क गायब मस्जिद से गायब सब कुछ गायब टोपी गायब दाढ़ी का सब कुछ गायब तो ऐसा मोमिन नहीं होता है अल्लाह रब्बुल रबुल्बास दफा इस वजह से भी रुझु करता है इसी तरीके से तोबा एक मकसद हो गया और एक मकसद होता है अल्लाह ताला तर्जा को बलन करता है हमारे दर्जात को अल्लाह तला बलन करता है इस आजमाइश के जरिए से इसमें बहुत सारी आयतें और अहादीत हैं इसी तरीके से इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सुन बयान फरमाते हैं कि एक बंदे के ऊपर जब मुसीबत आती है अदन मायूसी वला मोमिन के ऊपर कोई भी तकलीफ आती है यहां तक की मिसाल देकर अल्लाह के सुन फरमाया कि यहां तक कि पैर में चुभने वाला कांटा आप आ रहे हैं नमाज के लिए कहीं जा रहे हैं जॉब पे ही जा रहे हैं आप आपके पैर में कांटा चुभ गया ठोकर लग गई अल्लाह तला उसकी बिना पर भी आपके खताओं को माफ कर अल्लाह होकर और क्या चाहिए मेरे भाई कि आपको मुसीबत तकलीफ हुई जा रहे थे अचानक ठोकर लग गया आप कोई जान बोझ करके बैठ करके अपने पैर में सुई ना चुबाए कि मेरे गुनाह माफ होंगे नहीं आप जा रहे थे अनजाने में ऐसा हो गया अल्लाह तला आपकी खताओं को माफ़ कर देगा कितनी बड़ी बात है कि मुसीबतों के जरिए आपकी खताएं माफ़ हो रही हैं अल्लाह तला आपकी खताओं को बख्श रहा है खताओं को अल्लाह तला माफ यूं ही अल्लाह तला माफ़ कर देता है जब तकलीफें एक मोमिन के ऊपर आती है तो किसी भी तकलीफ को ये ना समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे ऊपर अजाब के तौर पर भेजा है ये सोचें कि हो सकता है इस बुखार के जरिए हो सकता है इस परेशानी के जरिए हो सकता है इस तकलीफ के जरिए अल्लाह ताला मेरी खताओं को माफ कर दे जैसे एक सहाबी के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वो बहुत बुखार में तप रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गम ना करो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए से तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा इसके जरिए से तुम्हारी परेशानियों को हल कर देगा अल्लाह ताला इसके जरिए से तुम्हारी आखिरत के अंदर तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगा इसी तरीके से आखिरी बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि जब आपके ऊपर परेशानी आए तो आप कोशिश करें जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है उस दुआ को आप पढ़ें जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक दुआ मैंने जिक्र किया शुरू के अंदर व इलैहि राजिऊन इसको पढ़ा करें कि हम अल्लाह के हैं अल्लाह की तरफ हमें लौट करके जाना है और दुआओं से अपना लो लगाएँ जितना हो सके आप कोशिश इस बात की करें कि अल्लाह से हर चीज़ के लिए आप दुआ करें अल्लाह से मांगने में कभी शर्म ना करें मेरे भाई अल्लाह देता है आप लोगों से मांगेंगे तो लोग एक बार देंगे दो बार देंगे तीन बार देंगे चौथी बार, बार बोलेगा क्या बार बार आके मांगता है लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है आप एक बार नहीं लाखों बार अल्लाह से मांगे अल्लाह हर बार देता है अल्लाह से जो नहीं मांगता अल्लाह उससे गुस्सा होता है अल्लाह का मामला ऐसा है कि जो अल्लाह से सवाल ना करें मिस मल्ला जो अल्लाह से नहीं मांगता है सवाल नहीं करता है अपने परेशानियों को अल्लाह के सामने नहीं पेश करता है तो अल्लाह तला तो उससे गुस्सा हो जाता है लेकिन आप अगर किसी बंदे के सामने अपनी परेशानी जिक्र करें कितनी बार जिक्र करेंगे भाई एक बार वो बोर होकर के बोलेगा नहीं मैं मुझसे मत बताया कर भाई हर बार तू आकर के मुझसे ही कहता है गुस्सा जाएगा अल्लाह का मामला अल्ला ऐसा नहीं है हर बार इंसान की परेशानियों को सुनता है और अल्लाह तबारक तआला उसकी परेशानियों को हल करता है इसीलिए आप देखेंगे याकूब अलीसलाम कितनी परेशानी यूसुफ यूसफ्लाम को कुएं में डाल दिया गया इतना बड़ा टेंशन और दूसरा टेंशन फिर बिन को वहां पर ले जाकर के लोग छोड़ करके चले आए तो उस वक्त अल्लाह रब उनका जो कौल जिक्र किया है कि हसरत याकूबल ने कहा बस्सी कहाकू बसी वजनी मैं अपने गम को अपने टेंशन को अल्लाह के सिपुरद करता हूँ मेरे पास जो भी टेंशन है जो भी गम है जो भी फिक्र है जो भी टेंशन है सब अल्लाह के हवाले करता वही हल करेगा तो हम भी अल्लाह ताला से जैसा चाहे वैसा दुआ करें कि अल्लाह ताला तो ही इस मसले को हल कर सकता है मैं बीमार हूँ मेरी बीमारी को तो ही दूर कर सकता है मेरा बेटा बिगड़ गया अल्लाह तला तो ही सुधार सकता है हम अपने बच्चों के तलुक से दुआ करें बीवी के लिए दुआ करें वालदेन के लिए दुआ करें सब दुआ अल्लाह तला कबूल फरमाता है अब ऐसी दुआ कोई ना करे कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे कब्जे में नहीं वो आ जाए तो ये सब दुआ कबूल नहीं होती ये सब खुराफा है कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई जैसे एक बंदा एक बार आया ऑफिस में कहा कि मौलाना साहब कुछ लिख कर दीजिए कोई ऐसी दुआ कि मेरे जो गर्लफ्रेंड थी नाराज वल्ला बता रहा हूँ ऐसी कोई झूठी बात नहीं तो कुछ हो मैंने कहा ये सब खुराफा है इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े तो ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती हैं ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती हैं अब कोई नमाज़ में खड़ा है सजदे में जा रहा है एक इंडिया को जिता दे मैच देख करके आया दिल उसका वहीं लगा हुआ है अब आकर कह के कि इंडिया को जद ये जीत जाए मैच को देख करके ये सब चीज़ें इस तरह की चीज़ें नहीं होती बहुत सारी दुआएँ कराई भी जाती हैं तो ये सब खुराफा वाली दुआएं ऐसी दुआएँ नहीं कहते अल्लाह तौर से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माशरे के लोगों की इसलाह फ़र्मा अल्लाह तबारको तौर हमारे उम्मत के अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं अल्लाह तुमको असलाह कर दे अल्लाह हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आने वाली हूँ तो उसको टाल दे अल्लाह तबारक ताल हमारे हालात को तो बेहतर बना दे अ लाला तो जो बेहतर करने वाला है अल्लाह तो हमारे साथ बेहतर कर जो शर हमारे ऊपर आने वाला है शर से अल्लाह तला दूर कर दे अल्लाह तो हमें शुक्रगुजार बंदा बना दे हमें नाशुकर ना बना हमें नाशुकर लोगों में से ना बना अल्लाह हमें दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रख किताब सुनो तक जिंदा रख खात्मा तो ईमान पर हो सुबह निकल लो हमारा बना बेहद ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक खैरन